सिक्स स्टैंडर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स, सिविक्स चैप्टर टू डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। सो वट इज मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। सो मतलब ये समाज में विविधता। सो इसमें फोर टॉपिक्स है, तो अपन उसमें का सबसे पहला टॉपिक देखते, पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते। ओके, सो देर आर मेनी लैंग्वेजेस, religions, cultures, customs and traditions in Indian society. This diversity is a mark of a rich cultural heritage. We live among people who speak different languages such as Marathi, Kannada, Telugu, Bengali, Hindi, Gujarati, Urdu. They celebrate their festivals and cultural events in different ways. Their modes of worship are also different. Our country consists of regions with different historical legacies where this diversity is shared and celebrated. As all these different communities in our country have lived together for many, many years, a feeling of oneness has developed among them. The feeling of oneness leads to unity in Indian society. So, इंडियन सोसाइटी मतलब भारतीय समाज में डिफरेंट भाषाएं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, पारंपरिक प्रचलित है, फेमस है ये सब। सो ये विविधता, ये डाइवर्सिटी ही हमारी सांस्कृतिक संपन्नता है, मतलब ये मार्क ऑफ आवर रिच कल्चर हेरिटेज। हमारे आसपास मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू, ये सब भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। वी लिव अमॉन्ग दिस पीपल्स। सो वो सभी अलग अलग पद्धतियों से तीज त्यौहार उत्सव मनाते थे, अपना फेस्टिवल अलग अलग तरीके से मनाते हैं, वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं, एंड उनकी जो पूजा अर्चना की पद्धतियाँ अलग अलग होती है सभी की। अपन तो सब जानते हैं सभी का जो भी पूजा करने का जो तरीका है वो सभी का अलग अलग है। सो डिफरेंट मतलब विभिन्न ऐतिहासिक विरासत प्राप्त प्रदेश हमारे देश में है, मतलब आर कंट्री कंसिस्ट ऑफ रीजन्स विद डिफरेंट हिस्टोरिकल लेगेसीज वेयर दिस डाइवर्सिटी शेयर्ड एंड सेलिब्रेटेड। सो इस सभी के बीच विविधता का आदान प्रदान मतलब लेन देन होता रहता है। वर्षों से एक साथ रहने के कारण मतलब उस साथ में सब यूनिटी से रह रहे हैं ना इतने सालों से, सो इसलिए एकता की भावना निर्मित हो गई है सभी के अंदर, यूनिटी की भावना, टुगेदरनेस की भावना, वननेस की सबके अंदर डेवलप हो गई है। सो इसके द्वारा भी भारतीय समाज की एकता दिखाई देती है। सो इसके द्वारा मतलब सब एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सो इससे भी अपने को ये पता चल रहा है कि भारतीय समाज एक एकता मतलब उनमें एकता दिखाई देती है, एक यूनिटी दिखाई देती है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अभी अपन क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डाइवर्सिटी इन आवर स्ट्रेंथ, मतलब विविधता की हमारी शक्ति, स्ट्रेंथ। टू लिव विथ डिफरेंट ग्रुप्स इज टू एक्सपीरियंस कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस हेल्प्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। इट एक्वाइंस अस विथ ईच अदर्स ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ। We learn to respect each other's way of life. We even adopt certain traditions from others. This helps to increase the feeling of unity in the society. This social unity helps us to face many natural and social calamities together. So, विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना ही सह अस्तित्व अनुभव करना है, मतलब सभी के साथ मिलजुल के रहना, डिफरेंट ग्रुप्स लोगों के साथ मिलजुल के रहना, इस यही होता है कोएग्जिस्टेंस का एक्सपीरियंस लेना। सो ऐसे कोएग्जिस्टेंस से हमारे बीच सामंजस्य बढ़ता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग, अपन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसके कारण हम एक दूसरे के रीति रिवाज और जीवन पद्धति के परिचित होते हैं, मतलब
अपन अगर साथ में रहेंगे तो अपन एक दूसरे के ट्रेडिशंस पहचान सकते हैं, अपन देख सकते हैं उनकी रीति रिवाज कौन सी है, क्या है, अपने को पता चल सकती है, और वो कैसा जीवन जीते हैं वो भी अपने को पता चल सकता है। एक दूसरे की जीवन पद्धति का आदर करना सीखते हैं, मतलब एक दूसरे के लाइफस्टाइल का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं अपन। फिर देन साथ ही दूसरों के कुछ प्रथा और परंपराओं को भी ग्रहण करते हैं। अगर अपने कोई अच्छा लग रहा है उनका जो भी रहन सहन है, उनकी जो भी प्रथा है, सो अपन क्या करते हैं, अपन भी वही करना स्टार्ट कर देते हैं, अपन भी उसको ग्रहण कर लेते हैं। सो इसी से समाज में एकता बढ़ती है। सो इसी के कारण, बिकॉज ऑफ दिस, अपने पूरे सोसाइटी के अंदर क्या यूनिटी तैयार होती है, एकता निर्माण होती है। सो सामाजिक एकता द्वारा एक हम प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का सामान समान कर सकते हैं। मतलब अगर अपन एक साथ रहे, इफ वी लिव टुगेदर यूनिटी, ठीक है, सो अपन कोई भी कैलेमिटीज का, कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये था डाइवर्सिटी इज आर स्ट्रेंथ, मतलब ही डाइवर्सिटी अपनी ताकत है, शक्ति है। सो डाइवर्सिटी से रहना चाहिए। टू पॉइंट टू मतलब इस सेकेंड टॉपिक, द प्रिंसिपल ऑफ सेलुलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल। इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स टू एंश्योर दैट द रिलीजियस कम्युनिटीज विल हैव द फ्रीडम टू वर्कशिप अकॉर्डिंग टू देयर फेथ एंड टू हेल्प डेवलप अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में विविध धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। उनके बीच परस्पर मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़े उन लोगों के बीच में, एंड विभिन्न धर्म के लोगों को उनकी श्रद्धानुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो मिले। इसलिए हमारे संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, मतलब सभी को अपना अपना फेस्टिवल निभाने की, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की, अपना रीजन, जो भी उनके रीति रिवाज वो सब करने की, म्यूचुअल एक डेवलप हो, एक फेथ डेवलप हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और उनको फ्रीडम मिले कि ये सब वो कर सकते हैं। देन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट सेलुलर नेशन ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी इन अ साउंड एंड हेल्दी मैनर, वी हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेलुलरिज्म। सो संसार में, मतलब पूरे जहाँ में, भारत एक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सो हमारे देश में बड़ी मात्रा में भाषाएं और धार्मिक विविधता पाई जाती थी जाती है। इस विविधता को स्वस्थ और स्वस्थ रूप में संरक्षित रखने के लिए हमारे धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को स्वीकार किया है। सो अकॉर्डिंगली कौन से हैं देखेंगे अपन, मतलब वो कौन से सिद्धांत है। सो जिसके अनुसार, फर्स्ट, नो रिलीजन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में शासन द्वारा किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, मतलब सभी रिलीजन, सभी धर्म अपने लिए एक समान है। एवरी पर्सन हैज अ फ्रीडम ऑफ वर्कशिप एज पर द रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। सो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म या फिर अपनी पसंद के धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। हर कोई अपने पसंदीदा धर्म ले सकता है, अपने पसंदीदा रीजन ले सकता है, उसकी वर्कशिप, उसकी आराधना, पूजा पाठ कर सकता है अपने पसंदीदा रिलीजन का। सो देर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। शिक्षा फ्रॉम द बेसिस ऑफ रिलीजन, ओके, द
धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी किसी भी रिलीजन के हिसाब से अपने को भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई बोल दिया ये हिंदू है मुस्लिम है, अगर ऐसा किसी ने भेदभाव कर लिया कि नहीं मैं इसको ही दूंगा इसको नहीं दूंगा, तो वो गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता। सो सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिया गया, सभी को इक्वल स्टेट की ओर से इक्वल राइट्स दिए गए हैं, इक्वल इक्वालिटी गई है दी गई है। अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो शिक्षा रोजगार सरकारी नौकरी ये सब के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं, इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। देर आर स्पेशल प्रोविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज आर फ्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज। दे आर ऑल्सो फ्री टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन अपॉन कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन। सो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। मतलब ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस वाले लोग इनको एक फ्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दे, वो अपने अल्पसंख्यक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी एक सुरक्षा स्वतंत्रता दी गई है। तो शिक्षा के माध्यम से अपने अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है। सो थ्रू द एजुकेशन, एजुकेशन के जरिए हर कोई अपने अपने कम्युनिटी को, हर कोई अपने अपने रिलीजन को, रिलीजन का विकास कर सकता है अपने अपने हिसाब से। लास्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ सेलिटरिज्म हैज हेल्प टू मेंटेन रिलीजियस हारमोनी इन इंडियन सोसाइटी। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ था। मतलब ही सेलिटरिज्म मतलब सिमिलैरिटी सेलुलरिज्म बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस हारमोनी इन इंडियन सोसाइटी। अभी नेक्स्ट टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। व्हाट डू वी लर्न बाय लिविंग इन अ सोसाइटी, व्हाट वैल्यूज क्वालिटीज डू वी इम्बाइब। लेट अस सी हाउ सोसाइटी हेल्प्स टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी। सो समाज में रहकर हमने क्या सीख मतलब हम क्या सीखते हैं, कौन से गुण ग्रहण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास में समाज किस प्रकार सहायता करता है, किस टाइप से अपनी हेल्प करता है। सो इसका हम यहाँ पे मतलब इन सब के बारे में अपन यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट ये है यहाँ पे कॉपरेशन मतलब सहयोग। ऑल सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड अ कम्युनिटी। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द कॉपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। कॉपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड रिमूविंग डिफिकल्टीज। अ फैमिली कैन नॉट रिमेन टुगेदर विदाउट एन एटीट्यूड ऑफ कॉपरेशन अमॉन्ग इट्स मेम्बर्स। द सेम इज ट्रू ऑफ सोसाइटी। लैक ऑफ ऑपरेशन कॉपरेशन हैम्पर्स आवर प्रोग्रेस। डे टू डे लाइफ विल ऑल्सो नॉट रन स्मूथली। कॉपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर एंड अलाउज इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड ऑफ मूविंग अहेड, टेकिंग अलॉन्ग विथ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सो प्रत्येक समाज व्यक्ति और समूह के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है। सो एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता।
एक दूसरे की समस्या और प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करना सहयोग कहलाता है। हमारे परिवार के सदस्यों में अगर ऐसी प्रवृत्ति ना हो तो परिवार नहीं चल सकता। अगर ऐसा कॉपरेशन ना हो तो परिवार नहीं चल सकेगा। अगर एक कोई और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, अगर कॉपरेशन ना रहा तो सही बात है, परिवार तो चलेंगे ही नहीं। यही बात समाज की भी है। तो सेम जैसे फैमिली में अपना अगर कॉपरेशन नहीं रहा तो नहीं चल सकती फैमिली, वैसे ही सेम समाज है। समाज में अगर कॉपरेशन नहीं रहा सबके बीच तो अपना समाज भी कैसे चलेगा। सहयोग के बिना समाज का विकास रुक जाता है और दैनिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है और समाज के सभी लोगों को सम्मिलित कर लेना संभव होता है। सभी घटकों को साथ लेकर चलने की यह एक प्रतिक्रिया है। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। टॉलरेंस मतलब क्या होता है? सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति, और अंडरस्टैंडिंग तो अपने को पता है, सामंजस्य। समाज में जिस प्रकार सहयोग की भावना होती है, वैसे ही कभी कभी मतभेद, विवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। जस्ट एज देर इज कॉपरेशन इन सोसाइटी, सो ऑल्सो एट टाइम्स देर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज वेन देर इज लैक ऑफ अग्रीमेंट इन द ओपिनियंस, आइडियाज एंड व्यूज ऑफ द पीपल, प्रीजजेस और मिसकंसेप्शंस अबाउट ईच अदर कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। हाउ एवर, इट इज इन नोबडीज इंटरेस्ट टू कीप अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीपल फाइंड अ वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग। दस कॉन्फ्लिक्ट कैन एंड इफ पीपल मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड शो अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में मतों या फिर विचारों और दृष्टिकोणों कोनों में सामंजस्य स्थापित न हो तो विवाद और संघर्ष निर्माण हो सकता है। अगर दोनों के बीच में, दोनों व्यक्ति के बीच में, दोनों समाज के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो या फिर कॉपरेशन नहीं हो तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष हो जाएंगे, दोनों के बीच में विवाद हो जाएंगे, है ना। एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह अथवा भ्रम भी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। एक दूसरे के लिए भ्रम भी हो सकता है, मतलब अपन खुद ही सोच लेते कि उसने ऐसा किया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। उसकी वजह से भी विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दीर्घ काल तक संघर्ष जारी रखना किसी के हित में नहीं होता। आपसी समन्वय और समझौते के माध्यम से ही, मतलब ही समझौता समझौता कर लेना। समझौते के माध्यम से ही मनुष्य संघर्ष का विवारण निवारण करता करना सीखता है। मतलब ही अंडरस्टैंडिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही, और अंडरस्टैंडिंग से पूरे मुश्किलें, लोगों की जो भी परेशानी है सभी दूर हो सकती है, सभी रास्ते निकल सकते हैं, हल हो सकते हैं सभी परेशानी का। अगर थोड़ा सामंजस्य, मतलब थोड़ा समझौता रखते हुए सहिष्णुता वृत्ति को दर्शाए तो संघर्ष समाप्त हो सकता है। अगर अपना थोड़ा सा, अपन ने अगर अंडरस्टैंडिंग दिखा दिया, अपने स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस मतलब सहन कर ली थोड़ा सा, तो भी तो ये जो संघर्ष है वो रुक सकता है ना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लेड्स टू अ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग। वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, दिस हेल्प्स टू फर्दर एनरिच आवर सोशल लाइफ, वी बिकम मोर टॉलरेंट। सोसाइटी प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस सिंपल मेथड ऑफ मेंटेनिंग वेल बींग एंड पीस इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम अपने अनजाने में अनेक बातें सीखते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की वजह से, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड की वजह से।
नए विचारों को आत्मसात करते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और इन विचारों की मदद से हमारा सामाजिक जीवन अधिक समृद्ध बनता है। ये जो भी अपने आइडियाज़ है उससे और अपना एनरिच बनता है, अपनी जो सोसाइटी सोशल लाइफ है एनरिच बनती है। सो हमारी सहिष्णुता में वृद्धि होती है, मतलब वी बिकम मोर टॉलरेंट, मतलब अपन और सहन करने वाले, सहनशीलता करने वाले बन जाते हैं। सो सामाजिक स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए इस एक सरल पद्धति को सीखने का अवसर समाज के कारण ही प्राप्त होता है। एज अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स, मतलब विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। वी प्ले डिफरेंट रोल्स, ईच इंडिविजुअल हैज सेवरल रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी रोल आर वेल डिफाइंड। व्हाइल प्लेइंग दीज रोल्स at home and outside, we form bonds with many people. However, changes make occur in the parts we play. समाज में हमारी अनेक भूमिकाएं होती है। एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता रहता है। प्रत्येक भूमिका में कुछ दायित्व और कर्तव्य निश्चित होते हैं। परिवार और परिवार से बाहर इन्हीं भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन भी होते रहते। हावे चेंजेस में ऑकर इन द पार्ट वी प्ले, चेंजेस होते रहते हैं यहाँ पे परिवार के बाहर जो भूमिका अपन निभाते उनमें। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि कौन से रोल अपन निभाते अपन, ठीक है, यू मतलब है अपन, तो स्टूडेंट का रोल निभाते, देन सन या फिर डॉटर का रोल निभाते, ग्रैंड सन का, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर of our grandparents, then member of friends of children society, then cleanliness ambassador, then sportsman, then class representative, ठीक है, member of our friends class circle in the school। so ये सब role अपन निभाते, क्योंकि रोल घर के रहते हैं, मतलब ये रोल घर के, एंड ये सब रोल्स बाहर के, तो अपन बाहर में भी कुछ रोल्स निभाते हैं और घर में भी कुछ रोल्स निभाते हैं। तो इस रोल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। इन ऑर्डर दैट सोसाइटी फंक्शंस स्मूथली सम रूल्स आर रिक्वायर्ड। इन एंशियंट टाइम्स सोसाइटी वॉज मोस्टली रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशंस, बट इन मॉडर्न टाइम अलॉन्ग विद ट्रेडिशंस laws are needed. Law is different from traditions and customs. The regulation of society through laws and traditions is carried out by different organizations and institutions. The government bodies at the local level also play an important role in the process of regulation of society. So samaj mein dainik vyavharon ko ईजीली सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ रूल्स एंड कुछ लॉज लगते हैं। पूर्व समय में, मतलब पहले के, इन द एंशियंट टाइम, मतलब पहले पहले के टाइम पे नियम अधिकांश रूप में रूढ़ी और परंपराओं द्वारा होता था। मतलब एंशियंट टाइम्स, मतलब पहले के ज़माने में, पहले के इसमें क्या सोसाइटी वॉज मोस्टली, हाँ, सो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते थे, जो भी ट्रेडिशन रहता, थोड़ा सा क्या रहता था, रूढ़ी, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता था उस टाइम पहले केस में। पर आधुनिक समाज का नियमन रूढ़ी परंपराओं के साथ साथ कानून द्वारा भी हो रहा है। पर अभी के अभी केस में क्या होता है, रूढ़ी तो है, स्ट्रिक्ट तो है, पर अभी लॉज भी आ गए, मतलब कुछ कानूनी द्वारा भी इसको चलाते हैं। देन कानून का स्वरूप रूढ़ियों परंपराओं
संकेतों की तुलना में भिन्न होता है. लॉज एंड ट्रेडिशन इज कैरिड आउट बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन. मतलब इन सभी बातों के आधार पर हमारे समाज का नियम अनेक संस्थाओं व संगठनों ने द्वारा किया जाता है. सो स्थानीय शासन संस्थाएं भी समाज के नियम कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ठीक है, प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कुछ भी, सो वो भी अपने सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो ये लेसन में बस इतना ही था. एंड आपके इसके जिसके नीचे के जो भी क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपको रहेंगे, वो इस वीडियो के नीचे एक लिंक रहेंगी, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से क्वेश्चन आंसर सॉल्व वाले डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे.